बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अमीर बख्श। उस कुछ दोस्तों ने मुझे हुक्म दिया था कि भाई आप ज़रा जो कराची से ज़रा नज़दीक एरिए है, जैसे पिकनिक पॉइंट भी वहां पर हो और कुछ साहिल समंदर भी हो और वहां के जो सिक्योरिटी वो भी हमें ज़रा बता दें। तो मैंने 21 नवंबर वहाँ का विज़िट किया था। साहिल समंदर पे मैं गया था, मतलब एक तो रास्ते में पहली जो साहिल समंदर की जो पट्टी पड़ती है गड्डानी, तो गड्डानी मैं समझता हूँ कि एशिया की जो सबसे बड़ी शिपयार्ड है, वहाँ भी मैं गया था। और उसके अलावा है जो सेकंड पॉइंट है वो है ड्राम। तो ड्राम फिशरी के हवाले से भी बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि लार्ज मार्केट है, गड्डानी भी है, लेकिन ये कि वहाँ आपको एक बेहतरीन पॉइंट भी जो है मुयसर है कि वहाँ पर डेजर्ट भी है, तो डेजर्ट पे भी आप वहाँ पर घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। और कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं जहाँ पर आप रिहाइश भी कर सकते हो। तो दोस्तों ने मुझसे ये पूछा था कि जी हम वहाँ रिहाइश के लिए कोई होटलें वगैरह जैसे मुसाफिर खाने वगैरह होते, तो मैंने यही मेरे मतलब वीडियो बनाने का मकसद है कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ से आप जाते हैं, कराची से आते हैं या कोयटे के साइड से इवन या पंजाब के साइड, तो एक दो छोटे जो टेंट वगैरह आते हैं जो 2 से 2.5 हज़ार में मिल जाते हैं, 2 बंदों की कैपेसिटी उसके अंदर होती है, तो वो लगा कि आप आराम से वहाँ पर रह सकते हो, धूप से भी आपको बचाव होगी। लेकिन अब ये कि ज़रा वेदर कोल्ड है काफ़ी, लेकिन ये कि इवन वहाँ पर छोटे बड़ी होटलें बनी हुई हैं, तो वहाँ पर ये कि आपको खाना तो वहीं भी मिल जाएगा, चाहे तो अपनी कुकिंग भी वहाँ पर आप कर सकते हैं। और जैसे आपको वेज वगैरह वो भी मिल जाएगी, चिकन चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी, अपनी कुकिंग भी आप कर सकते हो। तो एक तरफ वहाँ पर झील भी पड़ती है जैसे मीठे पानी की, समंदर तो है सो तो है, मीठे पानी की झील भी है, तो वहाँ बेहतर तरीके से आप एंजॉय कर सकते हो। छोटे छोटे बोर्ड वाले जाते हैं, 2 से 3 हज़ार रुपये आप जो तो आपको मतलब वहाँ पर वो विज़िट भी करवाएंगे। अगर एंडिंग का फिश एंडिंग का आपको शौक़ है तो वो शौक़ भी आप अपना पूरा कर सकते हो। और सिक्योरिटी के हवाले से मैं समझता हूँ कि वो जगह बिल्कुल परफेक्ट है, कोई सिक्योरिटी इशू वहाँ पर नहीं है। हाँ, इससे आगे अगर आप लोग चले जाते हो जैसे कुंड बनी, तो उससे आगे आप लोग को ये सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम है वो आपको फेस करनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ आप लोग को जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और एक मेरे भाई ने मुझे कमेंट की थी कि ये मैंने एक वीडियो बनाई थी जैसे प्रॉन वगैरह वहाँ पर मिलते हैं, फिश जो है बिल्कुल फ्रेश वो वहाँ पर मिलती है। तो उस भाई ने मेरे पूछा था कि जी वहाँ से डिलीवरी मुमकिन है, तो डिलीवरी वहाँ से बिल्कुल मुमकिन नहीं है क्योंकि छोटा सा बिल्कुल गांव है, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मगर वहाँ पर नहीं है कि वहाँ से, हाँ वहाँ से आप बाय कर सकते हो। और जो फिश है आपको चीप से चीप मिल जाएगी, प्रॉन जो है वो भी आपको चीप से चीप वहाँ पर मिल जाएंगे, यहाँ से तो आइस वगैरह वो भी आपको मिल जाएगी। छोटे कंटेनर आपके पास होने चाहिए या कूलर होने चाहिए, तो वहाँ पर ये कि छोटा कूलर अगर आप ले जाते हो तो 5 किलो 6 किलो तो उसके अंदर वो भी आ जाएंगे, और फिश भी आपको चीप से चीप मिल जाएगी। लेकिन एक एडवाइस मैं आपको दूँ, अगर डेजर्ट के साइड पे आप लोग जा रहे हो तो वहाँ पर बिच्छू बहुत होते हैं, तो इस चीज़ का ज़रा है कि आप लोग अपने सेफ्टी को भी मद्देनज़र रखो। हाँ, समंदर के किनारे पे अगर आप लोग टेंट लगा देते हो या बोट वगैरह चलती हैं वहाँ भी आप रह सकते हो, और रात को आपके मतलब अच्छा मतलब गुजारा आपका हो सकता है, कोई ऐसी नहीं है। बिस्तरे वगैरह अगर आप लोग ले जाओ तो एक दिन भी रह सकते हो, 2 दिन भी रह सकते हो बेहतर तरीके से। हालांकि वो एरिया रेड भी इतने हाई नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग जाते हो पिकनिक, तो पिकनिक के लिए तो मैं समझता हूँ कि 2-4 दोस्त इकट्ठे होके वहाँ ये कि कुकिंग वगैरह भी अपनी आप लोग खुद करो, इवन के रोटियाँ वगैरह आप लोग को चाहिए तो आप लोग होटल से बाय भी कर सकते हो। तो हालांकि कराची से नज़दीक है, यहाँ से तकरीबन आपको 85 किलोमीटर दूर वो एरिया पड़ेगा। तो बहुत से लोग दोस्त हमारे वहाँ पर आते हैं, एंजॉय करते हैं, और
बहुत ही सेटिस्फाई होकर वहाँ पर दोबारा जाते हैं। तो अल्लाह पाक बस आप लोग को हर मुश्किल से महफूज रखे, पाक परवरदगार। कहीं भी आप लोग जाते हो अपने भाई को कमेंट ज़रूर करो कि जी, इवन के बलूचिस्तान के बारे में मैं आपको चप्पे चप्पे के मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पर आपको क्या मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो वहाँ ये कि पानी का कॉन्सेप्ट है, पानी वगैरह जो है, यहाँ तो साहिल समंदर है, छोटी सी सिटी है, वो आपको मिल जाएगी। कहीं आप दूर जाते हो तो पानी वगैरह, ये कुछ फ्रूट या कोई फूड वगैरह अपने साथ आप लोग जब तक आप लोग कोई अरेंज करो या कुकिंग अपनी शुरू करो। और इसके अलावा अल्लाह के फजल करम से आप लोगों को किसी चीज़ की कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को फेस नहीं करनी पड़ेगी। और जो जिस भाई ने मुझे कमेंट किया था कि जी वहाँ डिलीवरी, तो मेरे भाई डिलीवरी वहाँ से मुमकिन नहीं है, छोटा सा गाँव है। हाँ, आप जा सकते हो, मतलब तकरीबन 85 किलोमीटर इतना दूर नहीं है। कुछ दोस्त आप लोग गैदर होकर चले जाओ, वहाँ से घूम फिर के भी आओ, वहाँ कुकिंग भी करो, एंजॉय करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। और वहाँ से जब आते हो तो फिश या प्रॉन वो बाई करके आप ले आओ। और ये जो कराची के अंदर जो फिश मिलती है वहाँ मिलती है, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। एक तो रेट हाफ से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि आपको वो पड़ेंगे, उसके अलावा उसकी जो क्वालिटी, क्योंकि फिश चीज़ की क्वालिटी उसका जायका ही अलग होता है। तो ठीक है मेरे भाई, तो अल्लाह पाक आप लोगों को शाद रखे, आबाद रखे, अल्लाह पाक हर मुश्किल से महफूज रखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।